नमस्ते फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में वीडियो नंबर है एनवायरमेंट और इकोलॉजी सीरीज का तो वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू वाटर जिससे कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है ओके और वो पीने लायक -like नहीं रहता है अगर पीने का पानी है या फिर किसी भी यूज के लिए वो फिट नहीं होता है और हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए उसके आसपास की वेजिटेशन के लिए वेजिटेशन के लिए और ह्यूमंस के लिए तो वाटर पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं केमिकल्स वगैरह फिर पैथोजेंस जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स न्यूट्रिएंट्स जो हमने बात करी थी जो फर्टिलाइजर्स से आ जाते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स अगेन फर्टिलाइजर्स वगैरह से आते हैं Thermal, and other so, and are from as रहता है इनऑर्गेनिक पल्यूटेंट होते हैं हमारे आर्सनिक एंटीमनी कैडमियम फिर फ्लोराइड क्लोराइड कैल्सियम फॉस्फेट आय एक्ट्रा तो बहुत तरीके के बहुत सारे होते हैं ये तो मैंने बताया हैवी है मेटल होते हैं ये लास्ट वीडियो में

चैनल्स तो उसे हम रोक भी सकते हैं फिर हम उसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके उसे करके नॉट प्यूरिफाई बट हाँ उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उस पानी को तब अगर हम छोड़ें तो कम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कम्स मेनली फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड म्यूनिस्पल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजी टू रेगुलेट नॉन पॉइंट स्टॉप ड्रेनेज सम एग्रीकल्चरल रन ऑफ तो मोस्टली तो, जो खेतों वगैरह से आता है ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं जो

ज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑब्वियसली अगर आप उसे पीलोगे तो आपको पेट की प्रॉब्लम ही ज्यादा होंगी कॉलरा डायरिया हजार डस केमिकल्स पेस्टिसाइड सर्विसाइड्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर्म एक्सेट्रा कैन कॉज अक्यूट टॉक्सिसिटी एंड इमीडिएट डेथ तक भी हो जाती है फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन प्रेजेंट और डिजोल्व ऑक्सीजन तो उसी से पानी का क्या स्टैंडर्ड है भाई फिट है पानी हमारे पीने के लिए या और दूसरे यूज के लिए पानी की क्या क्वालिटी है और कितना पल्यूटेड है पानी वो डिजोल्व ऑक्सीजन इस पैरामीटर से डी ओ से पता लगाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं द अमाउंट ऑफ डी ओ एंड वाटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं

क्वालिटी ऑफ वाटर तो जितना ज्यादा सीओडी या B.O.D होगा उतनी ही कम क्वालिटी होगी क्योंकि उतनी ज्यादा डिमांड होगी मतलब उतना ही कम ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन उस पानी में होगा मिना माटर डिजीज पॉइजनिंग डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज मिथाइल मरकरी ब्रेक इसका जापान में होता लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तो वाटर बॉर्न डिजीजेस ये सब होते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से ह्यूमन्स में डायरिया कॉलरा टाइफाइड डिसेंट्री इकॉली हैपेटाइटिस ए वगैरह फिर ये आपको याद रखने है। मैंने टेबल ऐड करी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेस नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर ब्लू बेबी सिंड्रोम तो उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से अपने रिएक्ट करता है है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लू टाइप का हो जाता है। कई बार जो बेबीज में ये चीज होती है वो ब्लू नीला पड़ना कहते हैं उन्हें उनकी वीन्स वगैरह में दिखता है एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड फ्लोरोसिस और ये मोस्टली डेंटल या बोन्स का डिजीज होता है

की इज कैपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग बाई माइक्रो ऑर्गे जिसमें कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल फेसेज जो होते हैं ह्यूमन फेसिस एनिमल फेसेज वगैरह जो होते हैं ये सब इसमें होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस रिड्यूस द लेवल ऑफ पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक्स इन वो इस वाटर बट डू नॉट एलिमिनेट डैम कम्पलीटली तो कम कर देते हैं लेस हार्मफुल उन्हें बना देते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसके प्लांट्स आजकल बहुत सिटीज में uh, बन भी रहे हैं और बन भी चुके हैं पॉल्यूशन बाय ऑयल होता है कई बार ऑयल स्पिल्स वगैरह हो जाती हैं और सरफेस के थ्रू भी ऑयल कई बार पानी में पहुंच जाता है उस वो भी बहुत बड़ा ऑयल का पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होता है सॉलिड वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम सॉलिड इंक्लूड गारबेज रबेज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सेट्रा फिर sediment, जितने सेडिमेंट जितने ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं सॉयल रोजन वगैरह की वजह से उससे क्या होता है कि वाटर के अंदर आप जितना भी ऐसी चीजें आप डालोगे तो क्वालिटी डिग्रेड होगी दूसरा पानी का लेवल भी कम होगा ऑक्सीजन वगैरह भी कम होगा फिर थर्मल पोल्यूशन मतलब हीट तो हीट जितनी ज्यादा होगी तो इट विल डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू होल्ड होल्ड ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कम हो जाता है उससे और इसका मेजर सोल्यूशन जो सोर्स होता है वो होता है हमारे पावर प्लांट से जो पानी होता है क्योंकि वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स में कोल बेस्ड ये सब होता है तो उसे ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है वो पानी खुद हीट हो जाता है दूसरी चीज़ को कूल करने में उस हीटेड पानी को ही अगर आप आसपास की रिवर वगैरह में छोड़ दो तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वाटर पॉल्यूशन को लेकर इसके बाद हम ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू